Sarvadeva Sudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udireye Nashtaprayeshvabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopat Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Is my class? Skanda 4, Adhyay 22, our Shloka among 32. Natah parataro loke Pumsah swartha vyatikramah Yadadyam yasya preyastvam Atmana svaya vyatikramat Natah parataro loke Pumsah swartha vyatikramah Yadadyam yasya preyastvam Atmana svavyatikramat Nata parataro loke Pumsah swartha vyatikramah Yadadyam yasya preyastvam Atmana svavyatikramat Nata parataro loke Pumsah swartha vyatikramat Yadadyam yasya preyastvam Na Nahi Atah Iske baad Parataraha Badkar Loke इस संसार में पुंसह जीवात्माओं का स्वार्थ लाभ व्यतिक्रमः रुकावट यत अधि इसके आगे अन्यस्य दूसरों का प्रेयस्त्वं अधिक रुचिकर आत्मनः अपने लिए स्व अपना व्यतिक्रमात् रुकावट से अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की आत्म साक्षात्कार की अपेक्षा अन्य विषयों को अधिक रुचिकर सोचना मनुष्य के अपने हित के लिए इससे बड़ी बाधा कोई नहीं होती है। इसका मतलब है दो विषय हैं, एक है आत्म साक्षात्कार की विषय और दूसरा है बाकी दुनियादारी विषय। इन दोनों में अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक साक्षात्कार के विषयों में रुचि नहीं लेता है, दुनियादारी चीज़ों में चीज़ों को रुचिकर मानता है, ये उसके लिए मनुष्य जीवन में बहुत बड़ा बाधा बनेगा। ऐसे बताते हैं तात्पर्य, मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के निमित्त है। आत्मा आत्म का अर्थ है परमात्मा तथा जीव अर्थात भगवान तथा जीवात्मा। किंतु जब मनुष्य अपने शरीर तथा शारीरिक इंद्रिय तृप्ति में अधिक रुचि रखने लगता है तो वह आत्म साक्षात्कार के पथ पर अपने लिए अवरोध उत्पन्न कर लेता है।
माया के प्रभाव से वह इंद्रिय तृप्ति में अधिक रस लेता है। जो इस संसार में आत्म साक्षात्कार के इच्छुक व्यक्तियों के लिए वर्जित है, इंद्रिय तृप्ति में रस न लेकर मनुष्य को परमात्मा की इंद्रियों को तुष्ट करने में अपने कार्यकलापों को मोड़ लेना चाहिए। इस नियम के विपरीत जो भी किया जाएगा वह निश्चित ही उसके हित के विरुद्ध होगा। तो हम लोग चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट अध्याय से पढ़ रहे हैं। आज के रविवार के सत्र में आप सबको स्वागत करता हूँ। ये भागवत की इन श्लोकों में एक महत्वपूर्ण विषय हम सीखने जा रहे हैं। दो पथ है, एक है सतपथ, एक कुपथ है। सतपथ को पकड़कर चलने वालों के लिए वैकुंठ है, कुपथ नहीं तो जो जिस पथ में दुर्जन जाते हैं वो नरक का द्वार बनता है। तो आप लोग तो सतपथ को पकड़कर ही आए हो ज़रूर, तो आपका भविष्य बहुत कल्याणकारी है और मंगलमय है। लेकिन सतपथ पकड़कर जो आ चुके हैं उनके लिए भी भागवत में अनेक शिक्षा है, क्योंकि इस पथ में चलने वाले कभी कभी उनका मन बदल जाता है, मन बदल कर कभी वापस वो आकर्षित हो जाते हैं दुर्जनों की पथ से कभी कभी। इस तरह भक्ति में जुड़े हुए भक्त भी कभी कभी अलग अलग प्रलोभनों से पीड़ित होकर भटकने की संभावना है। इसलिए इस अध्याय में दो महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों को बोलकर हम प्रवचन को हम शुरू करेंगे। इधर एक पूर्व श्लोक में बताया गया, 26वां श्लोक में पहले, यदा रतिर् ब्रह्मणि नैष्टिकी पुमान। यदा, अगर कोई व्यक्ति के हृदय में भगवान कृष्ण के लिए रति जागृत हो गया और वो रति साधारण रति नहीं, नैष्टिकी रति बताया गया, निष्ठावान भक्ति जागृत हो गया। क्योंकि इस दुनिया में भक्ति में भी दो तरीके के भक्ति हैं। कुछ लोग सीजन में भक्ति जग जाता है, उनमें सीजनल डिवोटी बोलते हैं। कुछ नरसिंह चतुर्दशी तो बड़ा भीड़ बढ़ जाता है मंदिर के हाल में, जन्माष्टमी तो लाख से भी लोग ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का भक्ति होता है बहुत गंभीर होता है, नैष्टिकी होता है, जिसका मतलब है हर दिन वो भागवत पढ़ते हैं, हर दिन नाम जपते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने झुकते हैं, उनके भक्ति में ढीलापन नहीं आता। ऐसे जो व्यक्ति की भक्ति है, यदा रतिर ब्रह्मणि नैष्टिकी पुमान, अगर एक व्यक्ति के अंदर ऐसे भक्ति हो, दृढ़ भक्ति हो, जैसे आप लोग जानते हो जो फ्लावर पॉट बोलते हैं दिवाली के समय ऐसे आता है, थोड़ा आवाज़ करके निकल जाता है एक ही मिनट में। हाँ, लेकिन जो 10,000 वाला है धीरे से शुरू होता है, पट 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 पट, उसके बाद पट 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 चलता रहता है। लोगों को आश्चर्य होता है कि आधा घंटे के बाद भी ख़त्म नहीं होता वो। तो भक्तों का भक्ति ऐसे होना चाहिए, अगर एक बार चालू हो गया तो लगातार अंतिम सांस तक छोड़ना नहीं चाहिए। लोग बोलेंगे अरे ये रुका ही नहीं, मुड़कर देखा ही नहीं, चलता गया। गंभीरता से भक्ति की है, तो ऐसे भक्ति को नैष्ठिक भक्ति बोला जाता है, उसमें निष्ठा है। ऐसा नहीं कि कुछ जीवन में समस्या आया, कुछ आर्थिक समस्या हो, कुछ मानसिक समस्या हो, कुछ लोग छोड़ देते हैं, डिले पड़ जाते हैं, लेकिन नैष्ठिक भक्ति जिनमें आया है वो कभी छोड़ते नहीं। और दूसरा लाइन में बोलते हैं कि आचार्यवान ज्ञान विराग रमहसा। आचार्य देखिए, भगवान का मतलब जिनमें षड ऐश्वर्य पूर्ण है, इस तरह आचार्यवान का मतलब है जिन्होंने आचार्य को प्राप्त किया है, जिसका मतलब है आचार्य का आश्रय लिया है, आचार्य को पूर्ण रूपेण समर्पित उनके दिए हुए आदेशों को, विधि विधानों को पालन किया अपने जीवन में, इसलिए उन्होंने आचार्य के हृदय को जीत लिया है। ऐसे व्यक्ति को आचार्यवान बोलते हैं।
ஆச்சாரியவான் ஞான விராக ரம்ஹசா. ஐசி ஆச்சாரியக்கே உபதேசிக்கோ அப்பன ஜீவன்மே உத்தாரக்கர் ஜிஸ் வக்திக்கு ஹிருதயமே திவ்ய ஜான அவர் பௌத்திக பதார்த்தக்கெல்லாம் வைராகிய ஏ தோனோ ஜாகிரத ஹோச்சுக்கே ஹே. அது மத்தப் கேஸ்கா ரம்ஹசா கா மத்தப் உஸ்கா ஆக ஜெய்சா தேஜ் உஸ்மே. ஐசா நேன் கி ஏ தோடா பகத் ஜான் ஏ திவ்ய ஜான் பிரச்சுர் மாத்திராமே ஜெய்ச அகாத போதம் போல்த்தே அகாத போத கா மத்தப் சாஸ்திரக்கு மர்மோக்கோ ஐசே உன்னே பச்சன கர்லியா ஹே நைத்தோ பிராப்த கர்லியா ஹே கி கிசி பி கோனே கோனே சே குச்சு பி பூச்சோ இஸ் பகவத் சம்பந்தித் துனியா சம்பந்தித் ஓ சாஸ்திரங்க தொருப்பர் போல்னே கிளி க்ஷமதா திவ்ய ஜான திவ்ய ஜான ஹிருதே பிரகாஷித் ஐசி திவ்ய ஜான பகவான் கா பகவான் கி கிருபா சே உன்கே ஹிருதயமே பிரகாஷித் ஹோகியா ஹே. அவர் வைராக்கிய கா மத்தப் ஹே க்யா ஹே இஸ் துனியா துனியாதாரி சீசோ கோ தியாகனா நஹி க்யோங்கி குச்சு குச்சு லோ கிரகஸ்தே பி ஹோத்தே ஹே பதி பத்னி பச்சே மாதா பிதா கே சாத் ரஹதே ஹே. இஸ் துனியாக்கே சீசோ கோ தியாகனே கி ஜருரத் நஹி லேக்கின் உன்சே வைராக்கிய உத்பன்ன ஹோனா ஆவஷ்யக் ஹே. உஸ்கா மத்தப் க்யா ஹே இஸ் துனியாக்கே பௌத்திக பதார்த்தமே ஓ ரமத்தே நஹி ஹாலங்கே அப்பனே விதி விதானோக்கோ பாலன் கர்த்தே ஹே. இஸ்கா மத்தப் ஜெய்சே அம்பரீஷ் மஹாராஜ் தே ஜனக் மஹாராஜ் தே அர்ஜுன் தே யுதிஷ்டிர் தே உன்னோனே பத்னி சே கிரணா நஹி க்யா ஹே லேக்கின் பத்னி பச்சோங்கே சாத் பிரேம் பி க்யா லேக்கின் சாத் சாத் துனியாக்கே இந்திர திருப்திமே ரமா நஹி உன்கா ஹிருதய் ஹமேஷா பகவான்கே ஸ்ரீச்சரணமே கி பக்தி கர்னேமே லகாத்தா உன்கா. ஐசே இஸ்கோ வைராக்கிய போல்தே வைராக்கிய கா தோ பரிபாஷா ஹே விகத ராக ஓ ஏக விசேஷ ராக. விகத ராக கா மத்தப் ஹே துனியாக்கே பௌத்திக பதார்த்தமே உன்கோ குச்சு ஸ்வாத் நஹி ஹே உன்கா மாலும் ஹே கி பௌத்திக பதார்த்தமே இந்திர திருப்தி இந்திரிய தர்ப்பணமே ருச்சி நஹி ஓ விகத ராக. அவர் விசேஷ ராக கா மத்தப் பகவான் கிருஷ்ணக்கிலேயே ஏக ராக உத்பன்ன ஹோகியா உன்கே ஹிருதயமே ஜிஸ்கே காரண உஸ்மே ருச்சி லேத்தே ஹே பௌத் மந்திரமே ஜானா சர் ஜுகுனா கீர்த்தனமே பாக லேனா உத்சவமே பாக லேனா சாஸ்திர படனா தூசரங்கோ பத்தானா இஸ்மே ருச்சி லேத்தே ஹே வோ. தோ ஏ தோனோ உத்பன்ன ஹோகியா ரம்ஹசா கா மத்தப் ஏக தேஜோமய ஆகக்கே சமான உன்கே ஆச்சரிய கா ஆசிரய லேக்கர் உன்கோ பிராப்த ஹுவா ஹே. ஐசே லோக் ஐசே வியக்திக்கு க்யா ஹோதா ஹே தஹத்யவீரியம் ஹிருதயம் ஜீவகோஷம். ஏ ஜீவக்கே ஊபர் ஏக கோஷ ஆகயா ஹே இஸ் துனியாமே ஜிஸ்கா பாஞ்ச ஆவரண ஹே பாஞ்ச ஆவரணக்கு ஐசே போல போல கயா ஹே கி அவித்யா அஸ்மிதா ராக துவேஷ அபினிவேஷ். அவித்யா கா மத்தப் க்யா ஹே அஜ்ஞானதா. அஜ்ஞானதா கே காரண இஸ் துனியாமே ஆத்மா ஒரு ஷரீர்க்கு பீச்மே ஃபரக் ஜானதா நஹி ஏக வியக்தி அஜ்ஞானதேக்கே காரண. இஸ்லே லோக் ஷரீர் கோஹி லேக்கர் இத்தனா சஜாத்தே ஹே தஜாத்தே ஹே. ஆப்னே தேக்கா ஹே கித்தனை தரக்கே ஜீன்ஸ் ஆத்தே ஹே கித்தனை தரக்கே பெல்ட் ஆத்தே ஹே கித்தனை வாச் ஆத்தே ஹே கித்தனை தரக்கே ஹேர் ஸ்டைல் ஹே கித்தனை தரக்கே கார் காடி ஹே கித்தனை தரக்கே வாச் ஹே. இத்தனா இன்சான் இன் சீசோக்கு சுனனேமே கண்டோ கண்டே சமய பிதா தேத்தா ஷாப்பிங் கரெக்ட் ஹம் ஜா ரே கரெக்டே லோக் போத்தே ஹே சார் சார் கண்டா பாஞ்ச் பாஞ்ச் கண்டா ஷாப்பிங் கேலியே பாக்கெட் பி காலி ஹோஜாத்தா ஹே கர் பி பர் ஜாத்தா ஹே ஃபிர் பி திருப்தி நீ ஆத்தா ஹிருதயமே. இஸ் தரஹ கிருஷ்ண கிருஷ்ணக்கோ சோடகர் பாக்கி சபமே இஸ் துனியாக்கே ஜீவ் சமய பிதாத்தா ஹே. அவித்யா கா மத்தப் இக்னோரன்ஸ் அஜானதா. அஜானத்தை காரண ஷரீருக்கோ சஜானமே ஆஜிக்கல் உமன் கா பியூட்டி பார்லர் இஸ் தர மென் கா பி பியூட்டி பார்லர் ஆகே ஆஜ் தோ இஸ் தர ஷரீருக்கோ சஜானமே ஜோ இன்சான் கர்ச்சா கர்த்தா ஹே பைசா கர்ச்சா கர்த்தா சமய பிதாத்தா ஹே ஓ அஜானி புருஷ அவர் ஓஹி இந்திய திருப்தி திருப்திக்கே பீச்சே பாக்தா ஹே. இஸ்லே அஸ்மிதா போலா கயா ஹே. அஸ்மிதா கா மத்தப் க்யா ஹே தேக்கே அஹம் பிரம்மா அஸ்மி ஏ சத்ய ஹே. இஸ்கோ சோடுக்கர் அஹம் இன்ஜினியர் அஸ்மி அஹம் டாக்டர் அஸ்மி அஹம் கோரா அஸ்மி அஹம் காலா அஸ்மி அஹம் மோட்டா அஸ்மி அஹம் பத்லா அஸ்மி ஐசே கோய் சோச்சேகா நே இஸ்கோ அஸ்மிதா போல்தே ஹே. மே அஹம் ஸ்திரீ அஸ்மி அஹம் புருஷ அஸ்மி இஸ் தர அஸ்மி கா மத்தப் அப்பனை ஆப்கோ ஷரீர் சே பச்சான் கர் அஹங்கார் கர்னா உஸ்கோ அஸ்மிதா போல்தே ஹே. ஜெய்சே அகர் கோய் படா பென்ஸ் கார் மே ஜா ரஹா ஹோ கோய் லூனா மே ஜா ரஹா ஹோ தோ லூனா வாலேக்கோ தேக்கர் போலேகா கி ஏ க்யா பீச் மே ஆ கயா உஸ்கோ டோக் தேகா உஸ்கோ கபி கபி க்யோங்கி ஹம் பென்ஸ் வாலே ஹே. இஸ் தர அகர் கோய் புருஷ ஹே மோட்டா ஹே படா ஹே அகர் ஏக் சீண்டிக்கோ பத் மே தேக்தா ஹே தோ உஸ்கோ பததலித் கர் தேத்தா ஹே தோ படா பாப் ஹே வோ
हो सकता है चींटी छोटा है आप बड़े हो, लेकिन चींटी एक लूना जैसा हो सकता है, हो सकता है आप इनोवा जैसे बड़े हो हैं, लेकिन पर प्राणियों को क्लेश नहीं देना चाहिए क्योंकि उस शरीर में भी एक आत्मा बैठा है। पंडिता समदर्शन, इसे देखने के लिए क्षमता चाहिए। जिन लोगों के पास बुद्धि नहीं उनको अस्मिता बोला गया है, अहंकार के वश में आ जाना अहंकार के, उसको अस्मिता बोलते हैं। तीसरा है राग और चौथा है द्वेष। कभी कभी देखा जाता है इस दुनिया में बहुत बड़ा बिल्डर, बहुत बड़ा पैसा वाला कभी कभी इतना घृणा करता है दूसरे दुश्मनों से, बनिया लोग कभी कभी दूसरे बनियाओं से इतना घृणा करते हैं, कभी कभी इतना झगड़ा हो जाता है कुछ गुंडों को लगा कर उनको पिटाई भी कर देते हैं, इतना घृणा होता है उनको अगर कोई स्पर्धा करता है उसके साथ ऐसे। लेकिन जितना उनका घृणा होता है उन व्यक्तियों से उतना ही इसका आसक्ति होता है स्त्री से। उधर होता है घृणा, इधर होता है एक तरह का पागल जैसे आकर्षण है। कभी कभी शादीशुदा है फिर भी परस्त्री से ऐसे आकर्षण होता है किसी का। इस तरह एक आसक्ति जो है इस दुनिया में, पुरुष स्त्री की आसक्ति, बच्चों के ऊपर आसक्ति, पैसे के लिए आसक्ति, सोना चांदी इकट्ठा करने के लिए आसक्ति, जमीन के ऊपर आसक्ति, ये सब आसक्तियाँ मनुष्य के ऊपर एक जंजीर जैसे बनकर उनको पकड़ कर रखते हैं इस दुनिया में। इसलिए आसक्ति और दूसरा है घृणा। घृणा के कारण जीव दुश्मनों को पैदा करता है इस दुनिया में। कभी कभी नाता रिश्ताओं में भी दुश्मनी हो जाता है घृणा के कारण, क्रोध को काबू में ना करने के कारण, लोभ को काबू में ना करने के कारण कभी कभी भाई भाई बहन बहनों में भी बड़ा झगड़ा हो जाता है इस दुनिया में। इसलिए ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश का मतलब है एकदम भौतिक पदार्थों में डूब जाना, ऐसे डूब जाना, ऐसे डूब जाना, मोहित हो जाना। ऐसे मोहित हो जाने का मतलब पागल जैसे बन जाना, इसका अभिनिवेश बोलते हैं। जैसे स्पॉन्ज को पानी में अगर डिप करने से कितना पानी अंदर घुस जाता है उसमें, ऐसे ही भौतिक पदार्थ में अगर कोई इतना डूब कर रहता है, हमारा अनुभव है कभी कभी हम किसी को कुछ भगवान संबंधित कुछ एक दो चीज़ बोलने के लिए जाते हैं, लेकिन वो इतना अभिनिवेश में रहता है, वो अपने बारे में, अपने काम धंधे के बारे में, परिवार के बारे में, अपने पराक्रमता के बारे में, कितना पैसा इकट्ठा किया, कैसे इकट्ठा किया, इतना बोलता जाता है बोलता जाता है, हम बोल नहीं पाते हैं भगवान के बारे में। इतना अभिनिवेश, उसका अभिनिवेश को हमारे ऊपर भी डालता हो। ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे एक व्यक्ति मिला, बड़ा मोटा व्यक्ति, एकदम पेट भी बड़ा था उसका, लंबा था। वो बोला मैं ऐसे फलाना फलाना कंपनी में काम करता हूँ, हम लॉरी तैयार करते हैं, स्कूटर तैयार करते हैं, गाड़ी तैयार करते हैं, मोटर तैयार करते हैं। इतना बोला लगा कि उसके पेट से ही तैयार कर रहा है सब। इतना वो अभिनिवेश में था कंपनी के, नौकरी के अभिनिवेश में ऐसे। तो इस तरह आजकल लड़के लड़कियाँ सिनेमा देखकर इतना अभिनिवेशित हो जाती हैं, आने के बाद अपने आप को मान लेते कि मैं वो एक्ट्रेस हूँ, नहीं तो मैं एक्टर हूँ। कोई एक साधारण व्यक्ति भी सोच लेता है कि मैं ऐसे पलाना पलाना एक्टर हूँ, अपने हेयर स्टाइल ऐसे बनाता है, ड्रेस स्टाइल बनाता है, ऐसे ही बातचीत करता है। स्त्रियाँ पुरुष दोनों नाटक कर रहे हैं पागल बनकर ऐसे। तो देखा जाता है ये अभिनिवेश बोला गया, अभिनिवेश का मतलब है वो भौतिक भाव को धारण करके उसमें डूब जाना, ऐसे मूर्ख बन जाना है, आत्मा को भूल जाना है, आत्मा की कल्याण को भूल कर इस तरह भौतिक पदार्थों में जो डूब कर रात काता है माया की, वो अभिनिवेश बोला जाता है। तो ये पांच आवरण जो है जो जीव के ऊपर आता है उसको जीव कोशम बोला गया है। तो इधर बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति के हृदय में भगवान कृष्ण के लिए रति जागृत हो गया हो, निष्ठावान भक्ति, निष्ठा भक्ति जागृत हो गया हो, और आचार्य को प्राप्त करके उसके हृदय में ज्ञान वैराग्य के आग जागृत हो गया हो, ऐसे व्यक्ति के आत्मा के ऊपर जो पांच आवरण हैं वो जलकर राख बन जाता है, ऐसे बताते हैं। ये पांच आवरण जो मैंने आपको बोला, और ये पंच महाभूत भी, भूमि रापो अनल वायु खम, वो तो मिटने ही वाला है। ये मिट्टी से पैदा हुआ शरीर जो है मिट्टी से ही मिलेगा वो, इसलिए वो तो मिटी जाएगा, लेकिन हम लोग मृत्यु के समय शरीर को तो त्याग देते हैं, लेकिन आत्मा के ऊपर ये जो पंचकोश का आवरण है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये मिटता नहीं, जन्म के बाद हमारे साथ आता है, क्योंकि अलग अलग भौतिक शरीर को प्रदान करके पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम ऐसे देते रहता है, लेकिन इस भक्त को वो आवरण मिट जाता है।
ऐसे बताते हैं। जिस तरह उदाहरण दिया गया उधर, एक काष्ठ जो होता है उसके अंदर एक आग वसन करता है, आंखों से हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस आग को जगा दे तो वो आग ही काष्ठ को खत्म कर देगा, जलाकर राख बना देगा। इस तरह हमारे चित्त में जो बसा हुआ है, जो भगवान परमात्मा अंतर्यामी के लिए भक्ति, कृष्ण के लिए भक्ति, उस भक्ति को आग से तुलना किया है। अगर उसको जगाया जाए उससे क्या होगा, ये पंचमहाभूत से बना हुआ शरीर और पांच आवरण जो मैंने बोला, दोनों को वो जलाकर राख बना देता है और उसके बाद आत्मा को पुनः एक शरीर धारण नहीं करना होता है, इसके बदले वो वैकुंठ वापस चला जाता है। तो ऐसे भक्त के लिए भक्ति का अभिनिवेश मिल जाता है। विषयाविष्ट चित्तानां विष्णु आवेश न भवेत। ऐसे विष्णु पुराण में एक श्लोक है कि जो व्यक्ति विषयों में आविष्ट होता है उनको विष्णु के ऊपर आवेश नहीं आता है, इसलिए हम लोग विषयों से ऊपर उठकर विष्णु के भक्ति में लगना चाहिए, वो उस श्लोक में बताया गया। इधर भी वही बात बताया जा रहा है कि अगर एक इंसान आध्यात्मिक विषयों में रुचि नहीं लेगा, भौतिक पदार्थों में रुचि लेता है, बड़ा अभाग्य है। जय श्री राधा कुंज बिहारी की। तो अभी अभी मैंने एक उदाहरण दिया आपको काष्ठ का, काष्ठ के अंदर से उदय होने वाली आग काष्ठ को खत्म कर देता है। इस तरह हमारे हृदय में परमात्मा के लिए जब हम भक्ति जगाते हैं तब ये भौतिक शरीर और भौतिक आवरणों को खत्म करके हमको वही भक्ति वैकुंठ तक लेके जाता है, क्योंकि हम भक्ति में आविष्ट हो गए हैं। तो ऐसे भक्ति में आविष्ट हुआ भक्त का लक्षण क्या है, जैसे एक नारियल होता है उसको अगर पानी में डाल कर रखोगे तो अंदर वो एक कोपरा बन जाता है, देखा आपने, अंदर अलग हो जाता। सुपारी भी ऐसा ही है, सुपारी जब सूख जाता है ऐसे आप करेंगे कुड़ 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 आवाज आएगा, वो अलग हो गया। वो इस तरह आत्मा भी भौतिक और ये जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर से अलग होकर भगवान में रमता है आत्मा। इसका मतलब क्या, अलग होने का मतलब क्या है, भौतिक पदार्थ में रुचि ना लेना। उदाहरण के लिए बताऊंगा, आप लोग तुरंत समझ जाओगे। जैसे आप लोग बचपन में बलून से बहुत आकर्षित थे, है ना, जैसे एक लंबा बलून आता था, एक एप्पल जैसे बलून आता था, तो मैं तो लंबा बलून को हमने देखा था, बहुत बार हमने हट करके लिया है माता पिता से, लेकिन अचानक एक दिन हमने एप्पल का बलून देखा इतना बड़ा, मैंने बोला ये तो ज़रूर चाहिए ही चाहिए हमको, देखा ही नहीं हमने ऐसे। तो माता पिता बोला अरे कितना बार बलून खरीद कर दिया तुमको, फट फट करके सब फट फट जाता है, पैसा की बर्बादी है, उसके बदले हम कुछ केले खरीद कर देंगे तुमको, बोला नहीं तो कुछ शतरंज देंगे ना, नहीं नहीं उन्होंने बोला कि संतरा देंगे, मैंने बोला कुछ खाने की नहीं चाहिए हमको, ये बलून चाहिए, वो विस्फोट होगा कब होगा पता नहीं हमको, लेकिन अभी के लिए चाहिए हमको, है ना, इतना हट करके हमने लिया है ऐसे। लेकिन अभी हम थोड़े बड़े होने के बाद वो बलून का आकर्षण भी खत्म हो गया, अभी कौन हट करके मांगेगा बलून चाहिए, है ना। इस तरह आप देखेंगे इस दुनिया में जीव अलग अलग वयस में अलग अलग चीज़ों से आकर्षित होता है। जैसे बचपन में बलून से आकर्षित होना, थोड़े बड़े होने के बाद ट्राइसाइकिल, और थोड़े बड़े होने के बाद बाइसाइकिल, और टीनेज में आने के बाद स्त्री पुरुष का आकर्षण, उसके बाद बड़े होने के बाद माता पिता सोचते हैं हम शादी हो गया है, लेकिन उतना आकर्षण नहीं, बच्चे के ऊपर आकर्षण जग जाता है उसके बाद। उसके बाद बच्चा बड़ा हो गया है, पैसा चाहिए, घर बांधना है, तो पैसे के ऊपर आकर्षण होता है, जमीन लेना है, घर बांधना है, पैसे चाहिए। और उसके बाद बुढ़ापा आ गया, 50-60 हो गया, तो अभी घुटने में दर्द होता है, पीछे दर्द होता है, अभी डॉक्टर के पास जाकर जड़ी बूटी लेना, अलग अलग दवाई लेना, आयुर्वेद ट्राई करना, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी सब पति ट्राई करते हैं लक्ष्मीपति को छोड़कर, अंत में भगवान के शरण में आते हैं, सोचते हैं कि अभी ये कुछ साथ नहीं देता है शरीर, चलो अभी अभी कुछ धाम यात्रा करो, चार धाम यात्रा करते हैं उसके बाद। तो आप देखेंगे इस दुनिया में हम बलून को पकड़ा, बलून को छोड़ दिया, उसके बाद ट्राइसाइकिल को पकड़ा, ट्राइसाइकिल को छोड़ दिया, लड़की को पकड़ते हैं लोग छोड़ देते हैं, उसके बाद बच्चे को पकड़ते हैं, बच्चे तो निकल ही जाता है हाथ से, थोड़ा बड़ा होने के बाद बात मानता नहीं है माता पिता की, बात खुद ही मनमानी करता है, छोड़ देते हैं। पैसा पकड़ते हैं, पैसा निकल ही जाता है, कौन बोलेंगे कि मैं हमने पकड़ कर रखा पैसा, पैसा हमको छोड़ कर जाता नहीं, कभी कोई बोल सकता है इस तरह।
इस तरह से तबीयत भी अच्छा करने के लिए सोचते हैं कि यही डॉक्टर के पास गया सब ठीक हो गया बोलते हैं, तो दो महीना बाद बन गया अरे ये भी ठीक नहीं है, अब एक डॉक्टर के पास जाओ, तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अलग अलग डॉक्टर के पास जाकर अंत में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है, सब ऑर्गन कोऑपरेट नहीं करते हैं, अरे हम सब मृत्यु की ओर हमको खींच कर लेके जाते हैं मृत्यु के समय, तभी सोचता है गोविंदा करके भगवान का शरण जाता है उस समय, है ना। तो इस तरह हम देखेंगे इस दुनिया में भौतिक पदार्थों की ओर लगन है हमारा, ये बदलता जाता है बचपन से युवक अवस्था में शादी के बाद ऐसा, लेकिन पदार्थ अलग अलग है लेकिन आकर्षण वही है हम देखेंगे। इसलिए हमें जानना चाहिए कि अगर कृष्ण को हम एक बार पकड़ेंगे कृष्ण कभी छूटेंगे नहीं, हम भी उनको छोड़ेंगे नहीं, ऐसे भक्ति में हम गंभीर होकर, क्योंकि कृष्ण ऐसे वास्तव वस्तु है जिनके आश्रय लेकर हम नित्य काल के लिए आनंद प्राप्त करेंगे हम। तो शास्त्र बताते हैं कि भगवान के साथ जो संबंध जोड़ते हैं वो ही नित्य निरंतर शाश्वत काल के लिए दिव्य आनंद को प्राप्त करेंगे। जैसे सुदामा ने संबंध जोड़ा भगवान से, मांगे बिना भगवान ने दे दिया उनको घर नौकर चाकर सब, फल वाले ने संबंध जोड़ा मांगे बिना भगवान ने उनके टोकरी को भर दिया है कि नहीं, कुब्जा ने भगवान को कुछ चंदन लगाया मांगे बिना भगवान ने उनको एक खूबसूरत शरीर दे दिया उनको, है ना। तो भगवान के पास जाकर मांगना भी नहीं होता, सिर्फ संबंध जोड़ना है बस, संबंध जोड़कर कल्याण प्राप्त करता है जीव ऐसे। इसलिए भगवान ऐसे व्यक्ति हैं, यत् पाद सेवाभिरुचे तपस्विनाम अनेक जन्मोपचितम मलम धियः सद्य क्षिणोत्यन्वहमेदति सति यथा यदा पदांगुष्ट विनिसृता सरित। ऐसे एक श्लोक के द्वारा गुणगान करते हैं पृथु महाराज जी कि भगवान के पदकमलों को स्पर्श करके विराजा का पानी गंगा बनी, और अभी सारे दुनिया के सब लोगों को गंगा स्पर्श करके उनके पाप कर्मों को नष्ट कर रही है। देखिए अगर कोई बड़े धनी व्यक्ति हो उसको बोला जाता है कि अरे भगवान के लिए मंदिर बांधो, ऐसा कुछ बड़ा काम कार्य करो, अगर कोई बोलेगा नहीं जी मैं बहुत गरीब से गरीब हूँ उतना करने के लिए क्षमता नहीं हमारे पास, ठीक है नो प्रॉब्लम गंगा में नहाओ बस, गंगा में नहाओ तुम्हारे पाप सब मिट जाएंगे। इस तरह शास्त्र सब लोगों के लिए पाप को मिटाकर भक्ति सुकृति को बढ़ाने के लिए मार्ग बताते हैं शास्त्र ऐसे। तो ये बताते हैं कि गंगा जल कैसे पवित्र बनी, ये भगवान के पदकमलों को छूकर स्पर्श करके वह पवित्र बनी, क्योंकि गंगा का जल पवित्र हो चुकी है इसके कारण शिव जी ने गंगा को अपने जटा के ऊपर धारण किया इस तरह, और हम भी लोग गंगा में जाकर नहाते हैं। इसी तरह जिस भक्त का चित्त भगवान के हृदय भगवान के पदकमलों को स्पर्श करेगा उनका चित्त भी ऐसे ही शुद्ध हो जाएगा, ऐसे बताते हैं। विराजा पानी भगवान के पदकमलों को छूकर पवित्र बनी, इस तरह भक्तों के भी हृदय में चित्त में अगर भगवान को वो बिठा लेते हैं कोई भक्त उनका स्मरण करते हैं उनके हृदय भी ऐसे ही शुद्ध हो जाता है, ऐसे बताते हैं। क्योंकि भगवान ऐसे पवित्र व्यक्ति हैं, मंगलमय व्यक्ति हैं, सूर्य से उनका तुलना किया है, जैसे सूर्य मूत्र को चूस लेता है खुद भी दूषित नहीं होता उस स्थान को भी एकदम साफ कर देता है, इस तरह भगवान हम सब के पाप कर्मों को खत्म कर सकते हैं, उनके अंदर क्षमता है, अहम त्वाम सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि भगवान खुद ही बोलते हैं। साथ साथ उनके संपर्क में आकर हमारे हृदय में जब पाप कर्म और मल खत्म हो जाता है उनके लिए भक्ति जागृत होता है। जैसे देवी देवताओं के पास अनेक लोग जाते हैं कुछ भौतिक चीज़ों को मांगने के लिए, कभी कभी हासिल भी कर लेते हैं लेकिन वही भौतिक पदार्थ उनको मार देता है, जैसे रावण हो भस्मासुर हो ऐसे अनेक असुर लोग हैं। लेकिन अगर भगवान के पास अगर कोई जाता है उनको क्या भौतिक पदार्थ प्राप्त होता है क्या, ऐसे कोई प्रश्न पूछ सकता है। भागवत में बोला गया हाँ उनको भी प्राप्त होता है ज़रूर, हाँ ऐसे भागवत बताता है। तो कोई बोलेगा अरे भगवान तो भौतिक पदार्थ भी दे देते हैं तो सब लोग दुनिया के लोग उनके पास जाना चाहे, उनके पास क्यों नहीं जाते हैं। तो इसके लिए भगवद गीता में बताते हैं भगवान कृष्ण, कांक्षंत कर्मणाम सिद्धिम यजंच इह देवता क्षिप्रम भी मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अगर देवताओं के पास जाते हैं तो उनको तत्क्षण मिल जाता है भौतिक पदार्थ, लेकिन भगवान के पास जाओ थोड़ा टाइम लगता है। तो लोग क्या चाहते हैं तत्क्षण चाहिए उनको, अगर मैं एक हाथ में एक चॉकलेट दिखाऊंगा दूसरे हाथ में 500 का रुपये नोट दिखाऊंगा तो आप क्या चुनोगे,
ऐसे मैंने एक प्रश्न पूछा एक सभा में, तो एक बच्चा बोला मैं चॉकलेट ले लूँगा बोला वो, क्योंकि उसका बच्चा का बुद्धि है, क्योंकि जो बुद्धिमान है उसको मालूम है कि 500 के रुपये के नोट में 500 चॉकलेट हैं, है ना। तो इस तरह के देवता के पीछे पड़ने वालों को तुरंत मिल जाता है, लेकिन वो चॉकलेट जैसा ही है, बुद्धि वाले हैं उनको वही चाहिए। लेकिन भगवान के पास जाने वालों के लिए बताया गया है, ऐसे एक श्लोक में बताते हैं एक, तो भगवान के पास जाने वालों को भगवान दे देते हैं भौतिक पदार्थ, लेकिन एक महत्वपूर्ण गुण बताया गया है, सत्यम दिशत्यर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्तदो यत् पुनरर्थितायतः स्वयं विदत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छापि दानम निजपाद पल्लवम। ये बताते हैं कि अगर कोई भौतिक इच्छा लेकर भगवान के पास कोई जाएगा उसको भौतिक प्राप्ति भी होगा, लेकिन उसको वापस भगवान के पास वो कभी नहीं जाएगा मांगने के लिए भौतिक पदार्थों को। आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं प्रभु जी, अगर मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन किया ठीक है, पहले साल के लिए पैसा मांगा भगवान दे दिया, अब दूसरे साल जाऊंगा तो और एक बार मांगना पड़ेगा हमको, है ना। ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं कि एक बार मांगा दूसरे बार नहीं मांगेंगे, लेकिन शास्त्र बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि दूसरे बार कभी नहीं मांगेगा व्यक्ति। उसका कारण क्या है बताते हैं कि अगर आपको अलग अलग खर्चा है, आपको इसके लिए 1 लाख चाहिए, उसके लिए 5 लाख चाहिए, घर के लिए 50 लाख चाहिए, ऐसे आपका अमाउंट लिख कर रखा है आपने। अगर आपके कोई मामा है अमेरिका में, वो बोलते हैं कि चिंता मत करो मैं 20 करोड़ भेज देता हूँ आपको, तो उस 20 करोड़ के अंदर सब कुछ बैठ जाता है, आपके सब खर्चा 20 करोड़ क्या, आपका तो खर्चा 1 करोड़ के अंदर ही बैठ जाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा भेजा उन्होंने, क्या मांगेंगे आप वापस उनको। ऐसे ही हो जाता है भगवान के पास आने वालों को। आप लोग जानते हैं एक था डाकू भगत नाम का, वो डाकू था, तो वो एक बार आकर ऐसे ही भागवत क्लास में जाकर बैठ गया, लेकिन कैसे बैठा वो मालूम है आपको। एक दिन पुलिस उसके पीछे पड़े, भागता गया पुलिस आ रहे थे उसके पीछे, सोचा कि लगता कि मैं पकड़ा जाऊंगा आज, पिटाई भी मिलेगा और जेल में डाल देंगे हमको एरवाड़ा में, हा? तो उसने क्या किया, कुंजबारी मंदिर के अंदर आ गया ऐसे, इधर आकर ऐसे अंदर भाग गया, एक भक्त को बोला एक तिलक पहना दो, उसको तिलक पहना दिया, ऐसे बैठ गया पुलिस को देखते हुए, लेकिन क्लास चल रहा था ऐसे ही भागवत क्लास, तो भागवत क्लास सुनते समय उसको पता चला कि कृष्णा कृष्णा करके किसी कोई व्यक्ति है, वृंदावन में रहता है, यमुना के तट में रहता है, वंशीवट के पेड़ों के नीचे मुरली बजाता है, एकदम खूबसूरत है, उसके शरीर में अनेक गहनों को पहना दिया उनके माता ने, यशोदा ने, हाथ में, पैर में, कमर में, इतना ज्वेलरी का वर्णन किया वक्ता ने, तो सुनकर सोचा कि अरे मैं तो चोर हूँ, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो भी बच्चा है, बच्चे को तो धोखा देना बहुत आसान काम है, सब नोट कर लिया, एड्रेस बोल दिया। क्लास के बाद उन्होंने प्रश्न पूछा, किसका प्रश्न है क्या, सिर्फ यही हाथ ऊपर किया, बोले कि वापस एड्रेस बोल दीजिए, ऐसे बोलकर नोट कर लिया उसने, तो कैसे जाना है, ऐसे ही ट्रेन में घुस गया, ऐसे ही पहुंच गया वृंदावन। लेकिन वृंदावन जाकर यमुना के तट में जब खोज रहा था, इतना आकांक्षा के साथ खोज रहा था कि भगवान प्राप्त ही हो गए उसको, तो भगवान उधर थे, उधर तो खेल रहे थे उधर यमुना के तट में, तो ये जाकर ये केले को दिया उनको, सोचा कि केला खिलाऊंगा और गहनों को चोरी कर लूँगा, तो भगवान ने केला भी ले लिया। ऐसे खा रहे थे, खाते खाते इसने हाथ जब लगाया गहनों के ऊपर, भगवान ने तुरंत उसके ऊपर हाथ लगाया, भगवान ने बोला ये नहीं ले सकते तुम, नहीं तो यशोदा पूछेगी किधर गया गहने सब, है कि नहीं। ऐसे बोलकर भगवान ने उनके हाथ को हटाया, इनको ऐसे एक शॉक लग गया उनके हाथ को स्पर्श करके, उधर तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा, अष्टसात्विक विकार प्रकट हुए उसके शरीर में, लोट पोटने लगा जमीन में कृष्ण का नाम लेते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे नाम लेते हुए लोट पोटने लगा जमीन में, तो उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, तो भगवान ने बोला अरे तुम रो रहे हो, गहने नहीं दिया करके, चिंता मत करो, ठीक है थोड़ा बहुत ले लो गहने, आओ इधर। वो बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे, अभी गहनों को लूटने की इच्छा ही निकल गया,
मेरे हृदय से, अभी मैं व्रज रज को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आपके सुंदर दर्शन को देखते रहूंगा करके उधर ही रह गया वो। इस तरह भगवान डाकू भगत का ये जो उदाहरण सुना आपने, इसे पता चलता है कि भौतिक पदार्थों से अपने आँखों को ऊपर उठाकर भगवान के स्पर्श से प्राप्त होने वाली मधुर मधुरी माँ जो है उसको प्राप्त हुआ उस व्यक्ति को। इस तरह शास्त्र बताते हैं कि भगवान के पदकमल से पैदा होने वाली शहद नहीं तो मधु जो है वो भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि के कथा के रूप में भक्तों के मुखारविंदों से निकलता है, उमड़ पड़ता है, वो पैदा होता है भक्तों के हृदय से और उमड़ पड़ता है उनके ओंटों से। उस कथा को छक कर उसमें जो रमेंगे वो लोग कभी इस दुनिया के गंदे पदार्थों से आकर्षित नहीं होंगे, बौद्धिक पदार्थ से। इसके विरुद्ध भगवान के शरीर जो सच्चिदानंद शिव विग्रह है भगवान के, और उनके उनके अंदर जो मधुरिमा है जो उनके गुणों से उनके लीलाओं से प्रकट होता है, उस दिशा में जो भक्त जाता है वो उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है भौतिक आसक्तियों से और भगवान को प्राप्त करता है वो। लेकिन इसके विरुद्ध जो इंसान इस भौतिक दुनिया के भौतिक पदार्थों के ऊपर रुचि दिखाता है, उसके लिए और एक उदाहरण दिया गया है भागवत में, आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले श्लोकों में, कि कभी कभी एक तालाब के तट में कुशाघास नहीं तो जैसे बांस पैदा होता है, और पैदा होते समय क्या होता है, पहले तो बांस नहीं तो कुशाघास छोटा होता है, लेकिन जब बड़ा होता है वो जो तालाब के सारे पानी को चूस लेता हो, तालाब का पानी सूखा हो जाता है, कुछ नहीं रहता उधर, क्योंकि ये बांस नहीं तो ये कुशाघास ने पूरा उसको सूखा लिया उसको। इसलिए उदाहरण दिया है भागवत में, अगर एक व्यक्ति के हृदय में भौतिक इच्छाएँ हो, वो भौतिक इच्छाएँ क्या कर देते हैं, जिस तरह वो पानी को वो चूस लेता है, इस तरह हमें वो इंद्र तृप्ति जो हम करते हैं वो भौतिक इच्छाओं के कारण, वो इंद्र तृप्ति आध्यात्मिक जीवन में रुचि को चूस लेता है। तो इंद्र तृप्ति करने वाले व्यक्ति की इतना अभिनिविष्ट हो जाता है उसमें, आध्यात्मिकता को छोड़ देता है वो धीरे धीरे, इंद्र तृप्ति बढ़ता जाता है उसको। इसलिए क्या करना चाहिए बुद्धिमान को, अगर तालाब को बचा कर रखना चाहते हो तो वो घास ये जो कुशाघास नहीं तो बांस जो थोड़े छोटे अवस्था में तभी उसको उखाड़ देना चाहिए, मूल से निकाल देना चाहिए उसको, काट कर डालना चाहिए उसको, ताकि वो पानी को चूसेगा नहीं, नहीं तो पानी आपको पानी नहीं मिलेगा बाद में आपको। इस तरह आध्यात्मिक जीवन में जो गंभीर बनना चाहते हैं उन भक्तों को सदा देखना चाहिए कि मेरे हृदय में क्या क्या भौतिक इच्छाएँ उदय हो रहे हैं, उन भौतिक इच्छाओं से कैसे ऊपर उठना चाहिए ये देखना चाहिए। आजकल मीडिया के एक्सप्लोशन के कारण इतने व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, इतने फेसबुक मैसेज आते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि अरे अच्छे अच्छे आध्यात्मिक विषय भी आता है हमको करके लोग देखते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में 99% गंदे चीज़ अलग अलग चीज़ आते हैं जो हमें आध्यात्मिक जीवन के लाभदायक नहीं होते हैं, समय का भी बर्बादी है, हमारे भौतिक इच्छाओं को भी बढ़ा देते हैं। इतना तक कि आजकल भक्ति में आने के बाद भी भक्तों के हृदय में विकार उत्पन्न होते हैं इस तरह के अनेक मैसेजेस को प्राप्त करके। इसलिए बुद्धिमान भक्त को इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि अगर हम ध्यान पूर्वक इन चीज़ों को हटाएंगे नहीं, जैसे आप जब एक धान्य उगाने के लिए गेहूं हो चावल हो उगाते समय साथ साथ खरपतवार भी पैदा होते हैं, तो बुद्धिमान किसान क्या करता है खरपतवार को निकाल देता है। अगर वो नहीं निकलेगा पानी जो सींचता है वो खरपतवार पी लेते हैं, खरपतवार बड़े बड़े हो जाते हैं और धान्य के पौधे जो छोटे होते हैं तो धान्य के पौधों को भी ख़त्म कर देता है ये खरपतवार। इस तरह हमारे हृदय में एक स्पर्धा चल रहा है माया और कृष्ण के बीच में, अगर हम कृष्ण के ऊपर जोर देंगे कृष्ण जीत जाएंगे, अगर हम माया के ऊपर जोर देंगे तो कृष्ण हमको छोड़कर निकल जाएंगे तो माया जीत जाएगी, तो हमको और करोड़ों जन्म काटना पड़ेगा हमको ऐसे। इसलिए ये स्पर्धा में जैसे आप लोग जानते हैं ये जो तृणावर्तता तृणावर्त नाम के एक जो एक भवंडर के रूप में आया वो, तब भगवान कृष्ण जो यशोदा की गोद में थे उन्होंने देखा कि आ रहा है असुर, मेरे माँ के गोद से मुझे उठाकर जाएगा तो माँ डर जाएगी बच्चा किधर गया करके। इसलिए भगवान ने अपने शरीर के शरीर को और भार बढ़ा दिया, भगवान ने इतना भार बढ़ गया, यशोदा ने सोचा कि बच्चे क्यों इतना भारी हो गया, तो उनको थोड़े
एक ब्लैंकेट में रख दिया, नीचे रख दिया माता ने, तो ऐसे बच्चे को छोड़कर किचन में गई, रसोई घर में काम करने के लिए गई। इतने में जब तृणाव्रत ऐसे करते हुए आया, निकट आया है, ऐसे एकदम निकट आने के बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना पतला हल्का बना दिया, जैसे एक पंखा होता है एक पंछी का, इतना हल्का बना दिया। आपने देखा है कौवे का पंखा होता है, इतना हल्का बना दिया भगवान ने अपने आप को। तो असुर ने सोचा कि मैंने सोचा इसको उठाना कठिन होगा, हमने सुना कि भगवान है इतना हल्का है, पकड़ो अभी, पकड़ कर उठा कर लेके गया वो बच्चे को। तो भगवान भगवान को अपने गोद में लेकर ऊपर गया, ऊपर गया एकदम आसमान में। तो उस पहली बार भगवान ने ऊपर से देखा, एरियल व्यू मिल गया उनको पूरा वृंदावन का। भगवान ने सोचा कि यशोदा के गोद में मैंने कभी नहीं देखा पूरा वृंदावन को, अभी ऊपर उठाकर हमको जैसे जेंट व्हील में आप जाते हैं पूरा शहर दिखाई देता है आपको, ऐसे भगवान ने ऊपर से देख लिया वृंदावन के सुंदर क्या क्या है, ब्रज में गोवर्धन किधर है, यमुना किधर, सब देख लिया उन्होंने ऊपर से। अचानक भगवान को याद आया कि अभी यशोदा और बाकी गोपियाँ रोती रहेंगी, चिल्लाते रहेंगे, मुझे ढूंढते रहेंगे, तो ये तो असुर मुझे इतना ऊपर लेके गया है, अभी हमें वापस लौटना पड़ेगा वृंदावन, ऐसे सोचा उन्होंने। उस समय यशोदा को सब गोपियों ने पूछा कि किधर गया तुम्हारा बेटा, तुमने क्यों उसको बाहर रखकर अंदर गई, तुम छोड़ना नहीं चाहता तुमको, इस तरह बोलते हुए सब लोग रो रहे थे जोर से, कृष्णा का नाम पुकार रहे थे ऐसे। तो इतना उनके भक्ति का इंटेंसिटी गहराई था कि भगवान के चित्त तक पहुँच गया वो। इसलिए भगवान ने क्या किया, तृणाव्रत के गर्दन को पकड़ा जोर से और अपने भार बढ़ा दिया जैसे पहाड़ जैसे। तो अचानक तृणाव्रत ने सोचा कि इतना भार बढ़ गया बच्चे का, क्या हो गया। तो वो बोला बच्चे को, ये छोड़ो छोड़ो, जैसे भगवान ने पूतना को भी छोड़ा नहीं, इनको भी छोड़ा नहीं है, ऐसे गर्दन को पकड़ कर रखे भगवान है। तो ऊपर से नीचे धड़ाम करके तृणाव्रत को मार डाला भगवान ने एक बड़े पहाड़ के ऊपर, नीचे गिर पड़ा, लेकिन भगवान के शरीर में एक स्क्रैच भी नहीं आया। तो नंद बाबा और बाकी सब गोप और साथ साथ गोपियाँ सब रोते हुए आए उधर भगवान को ढूंढते हुए। तो नंद बाबा ने देखा कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, बोला कि देखो ये पापी से पापी बड़ा असुर, उसकी हड्डी पसली हो गया उसका है, सब हड्डी टूट गया पूरा उसका, लेकिन हमारा बच्चा देखो बड़े पुण्यात्मा है, उसको स्क्रैच भी नहीं हुआ इसके शरीर में है। तुरंत उन्होंने उठा लिया नंद बाबा ने ऐसे। तो ये लीला आपको क्यों मैंने बोला, अगर गोपियाँ भगवान को रोती हुई पुकारती नहीं थी तो भगवान नीचे नहीं आते थे, तो असुर उठाकर उनको लेके जाता था उनको, लेकिन गोपियों के हृदय में इतना भक्ति भाव था इसलिए भगवान आए। इस तरह हम लोग भी हमारे हृदय में तृणाव्रत आकर हमारे कृष्ण को चोरी करके ऊपर उठा कर लेके जा रहा है, अगर हम कृष्ण को वापस लाना है तो हमारी भक्ति की तीव्रता को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो भगवान का स्मरण जितना करते हैं उनको पुकारने का वही तरीका है, उनके स्मरण से भगवान का शक्ति प्रबल हो जाता है हमारे हृदय में, तब असुर मिट जाएगा और भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे ऐसे। तो मैं अंत में एक महत्वपूर्ण चीज़ बोलकर मैं प्रवचन को विराम दूंगा। प्रभुपाद जी उनके लेख में एक बार लिखते हैं कि हाउ टू बिकम सीरियस एंड स्ट्रिक्ट एंड सिंसियर डिवोटी, कैसे हम एक स्ट्रिक्ट डिवोटी बने, सीरियस डिवोटी बने और सिंसियर डिवोटी बने, ये तीनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं कि किसी का भक्ति बहुत गंभीरता से चल रहा है। तो स्ट्रिक्ट डिवोटी के बारे में बताते हैं कि वो जो व्रत लेता है वो पत्थर के ऊपर लिखने के बराबर है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी अगर उन्होंने कुछ व्रत लिया, जैसे एकादशी का दिन आपका मन बोलता है कि आज हम 50 माला करेंगे, लेकिन माला 16 माला होने के बाद मन बोलता है अरे बहुत कुछ काम भी पड़ा है, ठीक है 25 करेगा तो चलेगा आज, तो 50 से 25 हो जाता है, 25 से 20 इस तरह लोग कमती कर देते हैं कभी कभी, क्योंकि उनके अंदर उतना दृढ़ता नहीं है, उसमें स्ट्रिक्ट नहीं है वो जो व्रत लेते हैं। कभी कभी रात को सोते समय कोई सोचता है कि अभी 9 बज गया जल्दी सो जाऊंगा, 3:30 उठ जाऊंगा मंगल आरती के लिए जाऊंगा, लेकिन सुबह भी 4 बज गया अभी देखता है कि ठंडी बज रहा है, इतने सुबह सुबह सारी दुनिया सो रहा है मैं क्यों उठूं, ऐसे ब्लैंकेट डालकर सो जाता है, उठ नहीं पाता व्यक्ति, इसका मतलब गंभीर नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि
गंभीर भक्त जो है अगर कुछ व्रत लिया तो वो छोड़ेगा नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे थे, उन्होंने जो खाने को कम करते 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 जो स्ट्रिक्ट तरीके से उन्होंने अपनाया, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इतने गंभीर भक्त हैं, उस जो भी व्रत लेता है वो पत्थर के लकीर के बराबर है, ऐसे उन्होंने बोला। हम व्रत लेते हैं वो पानी के ऊपर लकीर के बराबर हो जाता हो, पानी के ऊपर लाइन बनाओ तुरंत मिट जाता हो। एक बंदर था, वो जंगल में रहते समय किसी ऋषि मुनियों को देखकर उसको भी एकादशी व्रत रखने की इच्छा हुई, तो अपने मित्रों को बोल दिया जाकर मैं कल कुछ नहीं खाने वाला हूँ, उपवास करने वाला हूँ। वो गलती था, सबको बोल दिया, वो डमडमडम कर दिया उसने। तो मित्रों को बहुत शर्म आया कि अरे हम कर नहीं पा रहे हैं कुछ व्रत, ये करने वाला है, अगर हम नहीं कर पाएंगे ये करेगा तो ये मशहूर हो जाएगा, इसलिए इसको हमारे स्तर पर रखना चाहिए इसको। तो एक बंदर बोला ठीक है तुम व्रत रखो, फिर भी थोड़े एप्पल आम वगैरह इकट्ठा करके रखो साथ में, क्योंकि कल इतना कमज़ोर पड़ जाओगे, द्वादश के दिन तुमको फल ढूंढने के लिए शक्ति नहीं रहेगा, मर जाओगे तुम। वो बोला ऐसा है क्या, ठीक है। वो सब फल इकट्ठा करके अपने पास रखा अपने पेड़ में, बोला कि अभी चिंता नहीं, फल है हमारे पास, द्वादश के दिन हम एक लेकर खा लेंगे। तो कुछ समय के बाद वही बंदर आया, बोला कि देखो फल रखा है तुम, लेकिन हमने सुना है कि कुछ भी नया खाने से हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, इससे उसको टुकड़ा करके रखो अच्छा है। अच्छा, तो टुकड़ा करके रखा हो एप्पल को, काट कर रखा हो ऐसे। बोला कि किसको पता तुम इतना कमज़ोर हो जाओगे, थोड़े टुकड़े को मुँह में ही रखो, क्योंकि अगर तुम टुकड़ा को उठा नहीं पाओगे तो मर जाओगे ना, ऐसे बोला। ठीक है, वो इधर ही रखा, इधर ऊपर नीचे रखा, ऐसे रखते हुए हैं। सोचा कि द्वादशी के दिन खा लूँगा, तो एकादशी के दिन आया, तो ये आधा एक घंटा उपवास किया, तो अगर मुँह के अंदर है तो कैसे आप खा नहीं पाओगे वो खाने लगा। वो उसके फ्रेंड को बहुत खुश हो गया, सबको जाकर डमर बजा दिया, अरे उसने एकादशी किया नहीं, उसने कुछ व्रत नहीं रखा, चिंता मत करो, बोला वो। इस तरह जिस तरह वो बंदर का व्रत रखने की क्षमता नहीं था, इस तरह हम लोग भी व्रत में ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए बताते हैं गंभीर भक्त का मतलब है, स्ट्रिक्ट का मतलब यह है, व्रत जो लेता है उसको रखना चाहिए। दूसरा है स्ट्रिक्ट सीरियस डिवोटी। सीरियस डिवोटी का मतलब क्या है, उसके जीवन में अगर कुछ प्रलोभन आएंगे, अगर उसके जीवन में कुछ दुर्घटना घटेंगे, अगर उसके जीवन में कुछ डिस्ट्रैक्शन आएंगे उसको, जैसे भरत महाराज के जीवन में कुछ डिस्ट्रैक्शन आया, हिरण, एक हिरण आकर उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, अजामिल के जीवन में कुछ प्रलोभन आए, ऐसे किसी के जीवन में कुछ दुर्घटना होता है, जैसे प्रहलाद के जीवन में उनके पिताजी ने उनको मारने के लिए बहुत उपाय की, ये सब आने के बाद भी अगर कोई भक्त भक्ति में पीछे मुड़ता नहीं, ये सब देखने के बाद भी, जैसे हरिदास ठाकुर के जीवन में प्रलोभन आया, अम्बरीश महाराज प्रहलाद के जीवन में कठोर परिश्रम कड़े हो गए थे, लेकिन ये लोग उनको भक्ति में ढीला नहीं किया। प्रहलाद ने कभी नहीं अपने पिताजी को बोला कि ठीक है पिताजी इतना आप तंग कर रहे हैं छोड़ दीजिए, मैं आज ओम हिरण्यकश्यपु नमः बोल दूंगा, ऐसे बोला नहीं। प्रहलाद ने एक तलवार भी उठाया नहीं, प्रहलाद बाग भी नहीं गए, प्रहलाद ने रोया भी नहीं, प्रहलाद ने हट भी किया नहीं, झगड़ा भी किया नहीं, रोया भी नहीं, प्रहलाद कुछ नहीं किया, सिर्फ भगवान का नाम लेते रहा प्रहलाद। इसको बोलते हैं इज अ सीरियस डिवोटी। सीरियस डिवोटी का मतलब है दुनिया के प्रलोभन है, इस दुनिया के विविध तरह के दुर्घटना इत्यादि एक भक्त के भक्ति में बाधा नहीं डाल सकते, सीरियस डिवोटी है। सिंसियर डिवोटी का मतलब क्या है, जो कुछ भौतिक हेतु लेकर भगवान के पास नहीं आता है, सिर्फ प्रेममय भक्ति करना चाहता है, प्रेम प्रकट करना चाहता है बस। और सिंसियर भक्त वो भी है जो दूसरे भक्त दूसरे लोगों के लिए कुछ उनके दूसरे लोगों के शुभ चिंतक होता है, उनके लिए इच्छा नहीं करता कि उनके लिए कुछ कठिन समस्या खड़े हो जाए। जैसे प्रहलाद ने कभी भी मन में इच्छा नहीं किया कि मेरे पिताजी को कुछ दुर्घटना हो, ऐसी इच्छा नहीं किया उन्होंने मन में भी। वो सिंसियर भक्त का व्यवहार ऐसे होता है, ईर्ष्या नहीं करता है दूसरों से, दूसरे परजीवों से, हमेशा सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भावभवेत्, ये भावना होता है उनका। न क्रोधो न चमात्सर्यो न लोभो न अशुभामतिः भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे। ये पुरुषोत्तम भक्तों का आदत ये होता है कि
सबके हितकारी होते हैं, वो ऐसे पर दुख दुखी होते हैं। तो ये तीन गुणों को मिलाकर अगर कोई अभ्यास करेगा, अन्य अभिलाषिता शून्यम इस तरह की प्रैक्टिस करेगा, वो भक्त अपने भक्ति में तीव्रता पाएगा। ऐसे भक्त देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ है गृहस्थ भक्तों के लिए, अगर पति बहुत गंभीर बन गया भक्ति में, पत्नी थोड़ा ढीला है, तो अगर पति बोलेगा तुम अगर गाड़ी तुमको पकड़ना नहीं है तो हम पकड़ कर निकल जाएंगे, हम जा रहे हैं, तुम घर में रहो। लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों के बीच में वाद विवाद होता है, झगड़ा होता है। कभी कभी पत्नी बड़े गंभीर है भक्ति में, वो मंदिर में आती है, भगवान के लिए भोग बनाती है, हार बनाती है, विविध सेवाएं करती है, कार्यक्रम इधर हर दिन, इधर शाम को उधर कार्यक्रम करती जाती है, तो पति कुपित हो जाता है, अरे मेरे लिए टाइम नहीं तुम्हारे पास, बच्चों के लिए टाइम नहीं, घर के लिए टाइम नहीं, मेरे माता पिता को देखने के लिए टाइम नहीं तुम्हारे पास। वो बोलते नहीं नहीं हम भक्ति में बड़ा गंभीर हैं, क्योंकि हम गंभीर बनकर हम भगवतधाम लौटना है, तुमको अगर वापस जन्म लें तो तुम लोग हम नहीं लेंगे, ऐसे बोलते हैं। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि भक्त का मतलब है सर्वभूतानुरंजना। भक्त का ये गुण होना चाहिए कि सब जीवों को सुखी बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए भक्त को। अगर कोई पति पत्नी घर में रहते हैं तो पत्नी पति दोनों को सोचना चाहिए कि घर वालों को भी कैसे साथ में लेके जाने का भक्ति में। इसके लिए उनको योजना बनाना चाहिए, वरिष्ठों से मिलकर कैसे घर में ऐसे एक वातावरण बनाए कि हम सबको साथ में लेके जाए ऐसे हम। क्योंकि इस दुनिया में भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन दोनों को साथ में पकड़ कर लेके जाना होता है हमको। क्यों? क्योंकि अगर कोई बोलेगा मैं इतना तीव्र बनूंगा, हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, सोएंगे नहीं, भक्ति करेंगे, हो सकता है क्या? ऐसे अनेक भक्त इस्कान में भी 64 माला करूंगा करके एक भक्त निकल गया प्रभुपाद जी के समय में और राधाकुंड में चला गया, लेकिन 3 महीने में छोड़कर एक पेट्रोल पंप में ज्वाइन कर लिया, नौकरी किया उसने, ऐसे हम सुनते हैं। इसलिए हम अचानक गंभीर नहीं बन पाएंगे, हमको धीरे धीरे, जैसे अगर किसी को डॉक्टरेट चाहिए तो आपको LKG से चालू करना पड़ेगा, आपको LKG, UKG, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, 10वीं 12वीं, ऐसे करके आपको डॉक्टरेट मिलेगा बाद में। तो अभ्यास धीरे धीरे हमें गंभीरता को बढ़ाना चाहिए। जैसे वेट लिफ्टिंग करते हैं ना, क्या अचानक आप 200 पाउंड लेकर उठा देंगे तो आपको टूट जाएगा टांग, हाथ टूट जाएगा, कमर टूट जाएगा, है कि नहीं? तो हमको क्या करना चाहिए, वेट धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे अचानक हम भी लोगों को नहीं बोलते कि 16 माला चालू कराओ इमीडिएटली, हम 1 माला से शुरू करते हैं, 1 माला, 2 माला, 4 माला, 8 माला, ऐसे। इस तरह भक्त को भक्ति में कैसे गंभीर होना, ये उनके ही जो मार्गदर्शक होते हैं उनसे सीखना चाहिए, सीख कर भक्ति में गंभीर बनना चाहिए। इधर आज के सत्र में हमने ये सुना कि आत्म साक्षात्कार की अपेक्षा अन्य विषयों को अधिक रुचिकर सोचना मनुष्य के अपने हित के लिए इससे बड़ी बाधा कोई नहीं होती है। तो हम लोग एक तरह का शोधन करना चाहिए, मेरे हृदय में अगर इस तरह के विचारें उठ रहे हैं कि भौतिक पदार्थ आकर्षक दिख रहे हैं, आध्यात्मिक चीज़ फीके पड़ रहे हैं, बड़ा खतरनाक है, इसका मतलब है हम इस दुनिया में रहने के लिए योजना बना रहे हैं, इसलिए हम आध्यात्मिक रुचि को हम बढ़ाए, ये बताया जा रहा है इस श्लोक में। आप लोग पढ़ते जाएंगे इन सुंदर श्लोकों को, आपको और भी इस तरह के अनेक उदाहरण, मैं 2 उदाहरण आज मैंने बताया इधर से ही। एक है काष्ठ में उत्पन्न होने वाले आग, जो भक्त की तीव्रता को संबोधित करता है, और एक तालाब के तट में उत्पन्न होने वाले बांस नहीं तो कुशा घास इत्यादि जो पानी को चूस लेता है, उनको तुलना किया है भौतिक इच्छाओं से। तो हम भौतिक इच्छाओं को काटे, जड़ से निकाल दे, और हम ये आग जो हृदय में गंभीरता, आध्यात्मिक जीवन में गंभीरता का आग को हम पैदा करें, जिससे काष्ठ रूपी ये भौतिक शरीर और भौतिक आवरण, 5 आवरण वो मिट जाए, कि हम भगवान को आकर्षित करके हम भगवत धाम लौट चले। कृष्ण भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंदा की। थैंक यू।